नमस्कार दोस्तों गुड इवनिंग सबको मेरा नमस्कार आप स्वागत है सभी का दोस्तों अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई पर जहां मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका गुरु आपका टीचर आपका, आपका मेंटर और आशीर्वाद उम्मीद करता हूं मेरी आवाज़ बिजल्स आप तक पहुंच रहे होंगे सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों तारीख है आज पाँच नवंबर की और बच चुके हैं शाम के नौ बज के मिनट जी हाँ दोस्तों सभी का स्वागत है अपने इस विशेष कार्यक्रम में जो है टॉपिक है जीएम मस्टर्ड या बी हम बात करेंगे बी टी फसलों की बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों की बहुत चर्चा में है बहुत ज़्यादा उत्साहित है बच्चे की से बता दीजिए कुछ

बहुत अच्छा तैयार किया गया है तो मज़ा तभी आएगा जब हम मैक्सिमम लोग रहेंगे दोस्तों यहाँ पर तो प्लीज फटाफट लाइक और शेयर करो इसको यार हेलो रमाइन भूपेंद्र मनीष रूबी मोहम्मद सचिन सिद्दीकी सिमरन मनीषा सबको नमस्कार हेलो सचिन सभी को नमस्कार दोस्तों नो वन भी हमारे साथ हैं सबको नमस्कार फटाफट एक बार शेयर करो यार जल्दी से ना तो मजा आएगा सेशन को बात करने में आपके चर्चा करने में लंबी चौड़ी शुरुआत है दोस्तों देख ही रहे लंबा चौड़ा इंडेक्स मेरे पास है तो बहुत जल्दी मुझे नहीं है आराम से बात करेंगे आपके साथ सभी लोग जल्दी से शेयर करो यार <coughs> मैंने आपको दो दिन पहले बता दिया था सेशन के बारे में विशेष सत्र होगा आपका यहाँ पर दोस्तों ये बात करेंगे जीएम फसलों के बारे में बात करेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के बारे में आपके साथ जल्दी <coughs> से सेशन शेयर करो दोस्तों फिर शुरुआत करें सभी को नमस्कार हेलो निखिल हेलो शैल हेलो प्रियंका सभी को नमस्कार दोस्तों मेरा <coughs>

प्री प्लस मेंस प्लस मेंस जीएस पॉइंट ऑफ दोस्तों सुप्रीम बैच नाम से ही सबको छुप रहा है इसके सुप्रीम बैच की लॉन्चिंग दोस्तों कब है कल शाम पांच बजे पहली बात तो आपको कल शाम को पांच बजे जी हाँ फाइव पी ऑफ सिक्स ऑफ नवंबर जी हाँ दोस्तों सिक्स नवंबर को फाइव पी कहां पहुंचना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन आई के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहुंचना है आपको यानी यहीं पर आना है कल शाम पाँच बजे मिस नहीं करना है दोस्तों शानदार फैकल्टीज आप देख रहे हैं आपके साथ हैं यहाँ पर मेरा भी चेहरा आपको दिख रहा है यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को दोस्तों लेकिन क्या है सुप्रीम बैच पूरी बात करूंगा बीच में बताऊंगा आराम से लेकिन आप याद कर लीजिए टाइम अभी कल शाम पाँच बजे जी हाँ दोस्तों आपको पहुँचना है यहाँ पर इसके अलावा इस बैच के अंदर दोस्तों विशेषताएं की बात मैं कर दूँ आपके साथ दो मिनट रुकी चर्चा में कर दूँ यहाँ पर दोस्तों ये बैच जी के लिए है जीएस प्लस सी सेट प्री कम मेन्स दोनों के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है टेस्ट सीरीज शामिल है इसमें आपके दोस्तों इसमें ई e बुक्स का एक बहुत अच्छा कलेक्शन तैयार किया गया वो शामिल है दोस्तों इसमें आपके लिए रेगुलर करंट अफेयर्स क्लास जी हाँ करंट अफेयर्स क्लास बाय मी यानी बाय आशीर्वाद सर आपके लिए क्लास उपलब्ध है दोस्तों रेगुलर क्लास है आपके लिए प्लस नोट्स आपके जो मिलेंगे टीचर्स के वो तो रहेंगे ही रहेंगे आपके लिए प्लस दोस्तों इन सब के अलावा इसका एफोर्डेबिलिटी जी हाँ इसका प्राइस प्राइस टैग दोस्तों बहुत ही कम है तैयार किया गया आपके लिए जस्ट इन थर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बाई यूजिंग कोड ऑफ वाई सिक्स जीरो फाइव जो कि कोड है आशीर्वाद सर का आपके तो यूज कीजिएगा इस कोड को ज्वाइन कीजिए सुप्रीम बैच को और जुड़िए हमारे साथ विशेष सत्र में दोस्तों लेकिन करना क्या है उसके लिए आपको कोर्स बाय करना होगा आप यूट्यूब पर आ सकते हैं कल देखने के लिए लेकिन कोर्स को पेड कोर्स है दोस्तों जुड़ने के लिए सुप्रीम बैच से जहां मैं आपको इकोनॉमी कराऊंगा जहां मैं आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा और याद रखिए सब जब करंट अफेयर्स कराते तो बियॉन्ड कुछ नहीं जाता दोस्तों उसके जी हाँ

दोस्त जिसको करंट अफेयर्स बैच ज्वाइन करना हो अलग से भी कर सकता है करंट अफेयर्स बैच अलग से भी जाके कर सकते हैं करंट अफेयर्स बैच दोस्तों आप अगर खरीदना चाहें करंट अफेयर्स बैच तो टेलीग्राम पर बता दीजिएगा टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा दोस्तों उसका लिंक दे दूंगा मैं आपको वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आशीर्वाद सर अड्डा ट्वेंटी टाइप कीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा आप आशीर्वाद सर आशीर्वाद सर अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन इतना टाइप कीजिएगा मिल जाए टेलीग्राम को दोस्तों अभी तैयार किया गया आप लोगों के लिए चलिए प्रारंभ करते बिना देर किए इंडेक्स क्या है सर आज का न्यूज क्या है खबर का मामला क्या है खबर क्या है समाचार क्या है आराम से नोट्स लेके बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा बहुत सारी साइंस साइंस टेक की बातें होंगी बहुत सारी इकोनॉमी की बातें होंगी और आशीर्वाद सर के तो जोश चलते ही रहेंगे बीच में निर्मला जी भी आएंगी इसके अंदर दोस्तों अपनी याद रखिएगा लेकिन कॉपी पेन लेके बैठिएगा जिससे हम लिखते हुए चले कुछ बातों को सुनते हुए चलिए लिखते हुए चलिए प्रयास किया गया मैक्सिमम स्लाइड्स बायवल हैं एक आध स्लाइड अंग्रेजी में होगी तो थोड़ा हम सेंड कर लेंगे बात कर लेंगे उस पर आपके साथ बाय बनाने का प्रयास किया गया है ठीक है कॉपी पेन लेके बैठिएगा जो मैं कहूँ नोट करते जाइएगा चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं आपके साथ <coughs> आ, लव यू सर लव यू ऑल यार लव यू ऑल सभी लोगों को मेरा यार चलिए प्रारंभ करते हैं पहली न्यूज पर न्यूज़ क्या है सर आज की देखिए आराम सुनिएगा अभी मैं संस्थाओं पर नहीं जा रहा हूँ भारत सरकार की एक संस्था ने देश में मंजूरी दे दी है जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों मस्टर्ड जी हाँ सरसों सरसों का उत्पादन कमर्शियल प्रोडक्शन हो सकेगा अभी ट्रायल बेसिस पर होगा कुछ दिन उसके बाद इसको एज अ बड़े स्केल पर किया जा सकेगा यानी हमारे सरकार ने भारत सरकार ने देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुवांशिक संवर्धित सरसों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है आज लगभग 20 सालों पहले हम अटल जी को याद करें 2002 में 2002 में अटल जी की सरकार ने उस समय फसल को मंजूरी दी बीटी कॉटन को अनुवांशिक संवर्धित कॉटन को मंजूरी दी कपास को आज 20 सालों बाद जब 20 साल के बाद एक और नई फसल को मंजूरी दी गई है वो है सरसों अंतर बीटी कॉटन एक कपड़ा है खाने में काम नहीं आता वो एक कमर्शियल क्रॉप है कैश क्रॉप है लेकिन सरसों जो है दोस्त खाने का आता है यानी कि बीटी सरसों देश की पहली फसल होगी दोस्तों बीटी सरसों देश की पहली फसल होगी जो फूड क्रॉप होगी और जिसका बीटी माफ कीजिएगा जीएम सरसों देश की पहली फसल होगी जो कि एक फूड क्रॉप होगी इसका प्रयोग खाने में किया जाएगा यानी देश की पहली जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड क्रॉप को सरकार ने मंजूरी दे दी है आइए न्यूज से स्टार्ट करते हैं आपके साथ तो न्यूज क्या है सर तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली संस्था जीई जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी अनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति ने दोस्तों क्या किया है जीएम सरसों के व्यवसायिक रिलीज कमर्शियल रिलीज के लिए मंजूरी दे दी है जी दोस्तों कमर्शियल उत्पादनों का यह तो हुई न्यूज आपकी ठीक है यह हुई न्यूज दोस्तों आपकी ये रा? सरसों जिसका बीज ऑफकोर्स बनता है फिर सरसों का तेल बनता है दोस्तों आप जानते हैं चलिए तो वह सामान्य खबर है यहां पर आगे बढ़े दोस्तों अब आता है टॉपिक सर जीएमओ क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड होता क्या है दोस्तों बहुत सामान्य सी बात बहुत सामान्य सी बात करें दोस्तों हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती क्या है जीएमओ होता क्या है मैं आपसे इतना कहूं मान लीजिए आपने कोई भी एक कोई भी एक जीन लीजिए कोई भी एक जीव ले लीजिए मान लीजिए एक जीव लिया आपने उस जीव के अंदर मान लीजिए बीमार होता है वो मान लीजिए इंसान की बात करें हमारे हमारे शरीर के अंदर कुछ बैक्टीरिया आता है बीमार हो जाते हैं हम लोग ठीक है हम अपने जीन को रिकवर जीन को ट्रांसफॉर्म करें अपने में कोई ऐसा जीन डालें जिससे बैक्टीरिया शरीर में जब आए तो बीमारी ना पड़े हम लोग हम अपने आप को उस बैक्टीरिया के प्रति प्रतिरोधी प्रति बनाने दवाई खा के करते हैं काम दवाई ना खानी पड़े वो बैक्टीरिया शरीर में आया वायरस शरीर में आया मेरी बॉडी अपने आप ही उस वायरस को मार दे इसके लिए मैं क्या करूँगा अपनी बॉडी में नया जीन इंसर्ट कराऊंगा या कुछ जीन को मॉडिफाई कराऊंगा तो मैं बन जाऊंगा उस केस में जेनेटिकली मॉडिफाइड जीव मैं क्या हो गया जीएम यानी जीएमओ क्या है किसी भी जीव में प्लांट हो सकता है वो एनिमल हो सकता है कोई भी जीव हो सकता है उस जीव के डीएनए में जाकर उसकी आ, उसके राय उसकी हम बात करें केंद्रक में डीएनए निकालिएगा डीएनए में चेंज कर दीजिए जिससे उसके शरीर में रेजिस्टेंस आ जाए किसी बीमारी से लड़ने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल तो, देता आसान एग्जाम्पल देता हूँ हमारे जो कपास का पेड़ होता है दोस्तों कपास का जो प्लांटेशन होता है उसमें कीड़ा लग जाता था कपास उखा जाता है पूरा यार बेचारा किसान उगाता है फसल बड़ी होती है कपास गायब हो जाता है कुछ दिनों बाद कीड़ा लग गया खराब कर दिया पूरा येलो कलर कर दिया अब हमारे वैज्ञानिकों ने क्या किया कपास का बीज लिया उस बीज का जीन होगा डीएनए होगा डीएनए में एक नया जीन इंसर्ट करा दिया डीएनए जीन समझते ही नहीं समझते हैं आप लोग बताना पड़ेगा ओके सुन लो बेटा जो नहीं जानते वो बता दूं मैं यहां पर डीएनए जीन क्या होते हैं सामान्य भाषा में दोस्तों समझा जाए इस बात को मानव शरीर कोई भी बॉडी होती है दोस्तों शरीर जो होता है अंगों से मिलकर बनता है विज्ञान समझिए शरीर अंगों से मिलकर बनता है अंग ऑर्गन ऑर्गन मिलकर बनते हैं टिश्यूज से ऊतकों से टिश्यूज टिश्यूज क्या होते हैं कलेक्शन ऑफ सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं का समूह तो कोशिकाएं की बात कर रहे हैं दोस्तों सेल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां आप पर आपसे तो बॉडी मिलकर बनती है ऑर्गन से अंगों से अंग मिलकर बन किससे बनते हैं टिश्यूज या ऊतकों से ऊतक किससे मिलकर बनते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स कोशिकाओं का गुच्छा कोशिकाएं कोशिका समझते हैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बायोलॉजी की जी हाँ दोस्तों कोशिकाएं दो अंग होते हैं कोशिका में

तय करता है मुझे बीमार होंगा क्या नहीं मुझे वो बैक्टीरिया खराब बीमार करेगा क्या नहीं यानी आपके शरीर के जीन तय करते हैं आपकी अनुवांशिकता बहुत सीधी बात है आपकी जेनेटिकली वही तय करते हैं अब मैंने क्या किया कपास के उस केंद्र के डीएनए के अंदर के जीन में गया जीन को वहाँ से निकाला कुछ नया जीन डाला मॉडिफाई किया हटाया नया मन डाला पुराने हटा दिया केवल मॉडिफाई कर दिया मैंने उसको और फिर कपास का पेड़ तैयार किया इस बार क्या होगा जब वो बैक्टीरिया खाने आएगा कपास के पेड़ को ना वो बैक्टीरिया खाएगा कपास वैसे मर जाएगा हमने क्योंकि उसमें एक नया जीन इंसर्ट करा दिया था जैसी कपास का पेड़ वो खाएगा बैक्टीरिया वो उस जीन खा के मर जाएगा यानी वो पेड़ सुरक्षित हो गया रजिस्टिव हो गया उस बैक्टीरिया के प्रति यानी वो पेड़ कन्वर्ट हो गया जेनेटिकली मॉडिफाइड में अब जी हाँ इस प्रकार को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या अनुवांशिक संवर्धित जीव दोस्तों ठीक है चलिए आइए लौट के आते हैं तो एक आपकी परिभाषा लिखी है यहाँ पर मैंने छोटी सी Altered, जिसमें को संशोधित किया गया है प्राप्त करने के लिए डीएनए में किया गया बदलाव जीएमओ है जेनेटिक इंजीनियरिंग है जी हाँ दोस्तों जी समझ में आ गया होगा डीएनए में चेंज करना यही होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड और तैयार करना ठीक है सर ये मालूम पड़ गया आपको इससे आप क्या कर सकते हैं आप सोचिएगा आप अपनी फसल को कह सकते हैं तापमान बढ़ता है खराब मत होना अधिक टेम्परेचर योग्य बना सकते हैं ज्यादा बाढ़ आ गई पानी में डूब गई फसल ज्यादा पानी में खराब मत होना फ्लडेड एरिया हो गया तब भी फसल खराब नहीं होगी बैक्टीरिया वायरस कीड़े कीटनाशी, टिड्डा कोई भी आ गया फसल खराब नहीं होगी जी हाँ हम अपनी फसलों को क्या कर सकते हैं टॉलरेंस बढ़ा सकते हैं उनकी सहनशीलता बढ़ा सकते हैं आप अपने एनिमल्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं आपके एनिमल्स में जो फैट होता है उस फैट को प्रोटीन की मात्रा बढ़ा सकते हैं डिजायर रिजल्ट यार आजकल तो डिजाइनर बेबी आ गए यार बच्चे की हाइट कैसी चाहिए बच्चे के बाल का रंग कैसा चाहिए कॉर्निया का रंग कैसा चाहिए आपको बच्चे का कलर कैसा चाहिए सब डिजाइड हो जाता है आजकल तो डिज़ाइनर बेबी यार आप बताओ डिज़ाइन कैसा करना है बच्चे को जी हाँ आ गया है आजकल मेनू कार्ड में आता है क्या क्या बच्चे में चाहिए आपको बता दो मुझे यहाँ पर तो दोस्तों आप क्या कर रहे हैं आपको जैसी सोच है आपके डिजायर रिजल्ट है वैसा वो चेंज कर देगा वैज्ञानिक बैठकर जी हाँ दोस्तों इन होता है वैसे ये लेकिन हम बात करें जीएमओ लीगल होता है इसको आप कर सकते हैं आप अपनी फसलों में टॉलरेंस पैदा कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ दोस्तों हम लोग यहां से <coughs> चलिए अल्टीमेटली फायदा क्या होता है समझ आ जाएगा दोस्तों जीन इंसर्ट करने से फायदा क्या होता है जो नई वेराइटी बनी है वो हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंट है वो रेजिस्टेंस है डिजीज के प्रति वो ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंस है वो सूखे के प्रति रेजिस्टेंस है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई है उसका पोषण स्तर बढ़ गया है जी हां दोस्तों ये फायदे होते हैं जी हैं जीएम फसलों के चलिए आगे बढ़ते आपके साथ तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों जीएम फसलों की आपसे आज चर्चा हो रही है जीएम फसलों की तो आप देख रहे हैं यहां पर एक छोटा सा एनिमेशन टाइप का कि आप नए पुराने जीन हटा के नए जीन इंसर्ट करा रहे हैं ये आपने डीएनए लिया हटाए उसमें से कोई पुराने जीन एडिटिंग की पुराने जीन हटाए येलो वाले हटा दिए और आपने क्या किया नए जीन ग्रीन वाले इंसर्ट करा दिए दैट वन इज सो कॉल्ड जीन एडिटिंग तो सामान्य एनिमेशन है तो जीन एडिटिंग मतलब समझाने का तरीका है कि पुराने जीन को हटा के नए जीन को इंसर्ट कराना हो सकता है हो सकता है कि मैं पुराने जीन हटा दूँ नया इंसर्ट ही ना करूँ तब भी वो एडिटिंग है हो सकता है मैं पुराना हटाऊँ नहीं बस नया जोड़ दूँ तब भी वो जीन एडिटिंग है जीन एडिटिंग कुछ भी हो सकती है नए इंसर्ट कराना पुराने को रिप्लेस करना या पुराने को हटाना

आ, इस तकनीक को हम नाम क्या कह देते दोस्तों जी हाँ सबका मालिक एक सबका मालिक एक क्या क्या है इसको आप जीन टेक्नोलॉजी कहिए तब भी मतलब इसका जीन जेन, जेनेटिकली मॉडिफाइड है रिकॉम्बैक्ट डीएनए तकनीक कहिए दोस्तों तब भी मतलब यही होता है और जेनेटिक इंजीनियरिंग जी हाँ एक इंजीनियरिंग जो काम आती है इस समय देश में जेनेटिक इंजीनियरिंग यहां पर तो जेनेटिक इंजीनियरिंग दोस्तों आप देख रहे हैं इन तीनों को ही का मतलब क्या होता है इन तीनों का ही मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्राणी को तैयार करना जीएमओ तैयार करना जीएमओ जो तैयार होता है जो ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ दोस्तों जो ऑरिजन तैयार तो हुआ उसको क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं हम लोग अनुवांशिक रूप से संशोधित जीव कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से इंजीनियर जीव कह सकते हैं या ट्रांसजेनिक जीव कह सकते हैं जी हां जो जीव तैयार हुआ जो बीटी कॉटन जो जीएम सरसों तैयार हुआ उसे क्या कहा जाएगा जीएम सरसों को कह सकते हैं ट्रांसजेनिक सरसों इसे आप कह सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों इसे आप कह सकते हैं अनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों इसके कई नाम हो सकते हैं दोस्तों यहां पर जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली ट्रांसजेनिक ये सब का मालिक एक है जीएमओ फसल दोस्तों तो कई नाम होते हैं तकनीक के याद रखिए काम आएगा आपके एग्जाम में <स्थाँगा> चलिए सबको नमस्कार फिर से एक बार मेरा <स्थाँगा> चलिए आगे बढ़ते हैं आपके साथ आगे बढ़े हम लोग यहां से मूव करते हैं आगे बढ़े हैं दोस्तों हम लोग तो कैसे हो रहा है ये काम तो इस डायग्राम को देख लेंगे छोटा सा मेरे साथ आप लोग यहां पर इस डायग्राम को देखेंगे दोस्तों ये दिख रहा है आपको डायग्राम स्क्रीन पर यहां पर हम क्या कर रहे हैं समझा दो विधि में आपको क्या हो रहा है यहां पर ये कोई बैक्टीरिया था दोस्तों इसमें से कोई जीन निकाला आपने ये जीन था आपका निकाल लिया इसमें ये जीन इंसर्ट कराना है पौधे में ये जी जो जीन दिख रहा है आपको ये मुझे पौधे में डालना है ठीक है मैंने कट कर लिया इसको इस जीन को कट कर लिया कट कर रख लिया अब मैंने क्या किया इस जीन को मैंने कहा जोड़ा प्लांट की कोशिकाओं में उसकी कोशिकाओं में जोड़ने का प्रयास किया उसको समृद्धि होने दी अब जो नया प्लांट बनेगा दोस्तों ये जो नया प्लांट बना है इसमें कौन सा जीन है ये जीन इसमें आ चुका है ये जीन इसमें आ चुका है यानी इसके अंदर अब इस जीन के शामिल होने के जो गुण होंगे वो इसमें आ चुके हैं हो सकता है सूखा प्रतिरोध हो जाए या फ्लड प्रतिरोध हो जाए बीमारी से लड़ पाए ये पौधा ये पौधा तैयार हो गया है जी हां तो आप क्या कर रहे हैं यहां पर बाहरी जीन को शामिल करा रहे हैं पौधे के जीन के साथ पौधे के डीएनए के साथ यानी कि न्यू जीन आपने लिया है न्यू जीन कहीं से लिया है उसे आपने प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ा है और क्या बन गया दोस्तों अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट तैयार हो गया यह है तकनीक दोस्तों ठीक है चलिए तो जीएमओ क्या होता है दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन मेरे साथ यहां पर आगे बढ़ेंगे दोस्तों साथ आगे चलेंगे आप लोग यहां से यहां क्या हो रहा है दोस्तों जीओ में अनुवांशिक इंजीनियरिंग तकनीक का उपयोग करके अनुवांशिक सामग्री को बदल दिया जाता है कोई मुश्किल नहीं है सर यहां पर इसमें क्या करते हैं जीन को इंसर्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं या उसका संशोधन कर सकते हैं तो म्यूटेशन इंसर्शन और डिलीशन कुछ भी हो सकता है दोस्तों यहां पर जीन का इसीलिए हम इसको मिला बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें चलिए अब बात ये सर ये जीन आप कह रहे हैं बाहर से ला रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है मैंने कहा बीटी कॉटन कपास का बीज था उसमें एक जीन लेकर आई तो जीन कहाँ से आ रहा है सर ये ये जीन किसी और एनिमल से किसी और प्राणी से किसी और बैक्टीरिया से भी आ सकता है इसी कहें ट्रांसजेनिक दो अलग प्रकार के जीन को मिलाना जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंसर्टेड जीन जो नया जीन जोड़ा गया है यूजली कम्स फ्रॉम और अ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जी हाँ दोस्तों अलग फसल से अलग जीव से आता है जैसे बीटी कॉटन में जो मिलाया है आपने जीन ना वो कहाँ से लिया है बैक्टीरियम बेसलस थ्रोजेसिस से लिया है जी हाँ दोस्तों जो हमने जीन मिलाया है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ध्यान सुनिए बताने वाला हूं मैं आपको बीटी कॉटन कौ, कौ, का बीज था सामान्य कॉटन का बीज था इसमें एक जीन इंसर्ट कराया मैंने ये जीन कहाँ से आया या एक बैक्टीरियम से बैक्टीरियम बेसलस थ्रोनजसिस बीटी तो वहां से जीन लिया इसमें डाल दिया तो ये बन गया बी कॉटन फाइन ये बीटी कॉटन हो गया ये बेस्लस थ्रोनजेसिस हो गया तो ये जीन गया यहाँ से यहां तक वो क्या था फिर वो उसका नाम भी तो कुछ होगा जी हाँ जीन का नाम भी हो सकता है तो तीन नाम हो जाएंगे इस प्रकार आपके लिए याद करने को एक जिससे सोर्स जीन लिया आपने वो बैक्टीरियम बैसिलसिस वो सोर्स वो जीन जो गया यहां से यहां तक उस जीन का नाम और जिस पौधे में गया वो बन गया कॉटन से बीटी कॉटन तो इनपॉइंट बात क्या है दोस्तों ये जी जो जीन गया इस केस में वो क्या था फिर <coughs> समझिएगा जैसे बीटी कॉटन के केस में जीन होता है दोस्तों क्राईवन ए सी ये जीन का नाम है न ए सी तो कहानी जोड़ पाया मेरे साथ तो बैसिलस बैसिलसों से यानी इस बैक्टीरियम से एक जीन निकाला गया जिसका नाम है क्राइवन ए सी जीन वो चला चला जोड़ दिया कहां पर आके आपने बी टी कॉटन में उसको और ये कॉटन क्या बन गया बी टी कॉटन जी हाँ दोस्तों ऐसे ही हम बात करने वाले हैं अभी डी एम एच ग्यारह की ठीक है चलो ये हो गया दोस्तों हमने बात करी क्राईवन ए सी तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या होता है दोस्तों क्यों करते हैं हम लोग जिससे हम लक्षित प्राप्त कर सके लक्ष्य प्राप्त कर सके ये कॉटन जिसे खराब करता था बैक्टीरिया अभी बीटी कॉटन खराब नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया हमारा लक्ष्य पूरा हुआ लक्षित या लक्ष्य को हासिल करने के लिए नए जीन को इंसर्ट कराना ही है जेनेटिक मॉडिफिकेशन बिल्कुल दोस्तों सामान्य भाषा में विज्ञान समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं आपको आगे बढ़ेंगे मेरे साथ आप लोग ठीक <coughs> है चलिए उदाहरणों की बात करें एग्जाम्पल की बात करें मेरा फेवरेट सेक्शन दोस्तों इसमें ये एग्जाम्पल क्या क्या हमारे पास है तो इसका हम यूज़ कहां कहां कर सकते हैं जीएम क्रॉप का जीएम फसलों का यूज़ जीएम तकनीक का यूज़ कहां कहां कर सकते हैं दोस्तों इसका हम यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट जगहों पर जैसे कि मेडिकल रिसर्च में मेडिकल अनुसंधान में इसका रिसर्च लेते जाएगा दोस्तों मेडिकल अनुसंधान में इसका प्रयोग कर सकते हैं दवाइयां बनाने में इंसुलिन बनती है दोस्तों इसी तकनीक से इंसुलिन का इंजेक्शन जो लगाया जाता है इस तकनीक से बनता है वो प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन जी हाँ जीन थेरेपी होती है कई लोगों को इलाज किया जाता है इस तकनीक से आजकल किसी में जेनेटिक बीमारी है बीमारी जेनेटिक उसमें क्या करेंगे उसमें नया जीन इंसर्ट करा देंगे जेनेटिक बीमारी को दूर करने का प्रयास करेंगे जीन थेरेपी करेंगे अभी जीन थेरेपी कर सकते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर तो एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन या जीन उपचार कर सकते हैं यूपीएससी मेंस दो हज़ार में क्वेश्चन आया था जीन थेरेपी के ऊपर इसके अलावा दोस्तों कृषि में यूज कर सकते हैं जीन तम तकनीक कृषि में प्रयोग कर सकते हैं बी कॉटन गोल्डन राइस जी एम सरसों बीटी ब्रिंजल बीटी बैंगन बीटी टमाटर बीटी मक्का सब तैयार करते रहिए आराम से इसके अलावा दोस्त प्रयोग कर सकते हैं कहाँ इसका हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जी हाँ कई प्रकार के बैक्टीरिया तैयार करते हैं हम लोग जैसे इंसुलिन जो प्रोटीन तैयार कर सके हैं ऐसे इंसुलिन हो सकता है दोस्तों इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों और कहा यूज कर सकते हैं इसका हम लोग बायोफ्यूल बनाने में भी जी हाँ दोस्तों कई जीएम बैक्टीरिया का प्रयोग कर सकते हैं बायोफ्यूल तैयार करने में तो आज बहुत सारे यूज है हमारे पास एग्जाम्पल के नाम लिखवा दू दोस्तों में एग्जाम्पल कहें तो हम लोग यहां पर जैसे एग्जाम्पल ने हम लोग फसलें हम देख रहे हैं बहुत सारी फसलें हमारे पास होती हैं बीटी बैंगन है बीटी टमाटर है बीटी मक्का आजकल चलता है दोस्तों कई प्रकार की हम लोग आजकल सिल्क प्रोटीन तैयार करते हैं सिल्क प्रोटीन बकरी के दूध में एक विशेष प्रकार प्रोटीन आता है दोस्तों एक होता है सिल्क स्पाइडर सिल्क स्पाइडर होता है सिल्क स्पाइडर करता है जब जा अपना जाल बनाता है ना तो उसका तंतु होता है जो फाइबर होता है जाल बनाने का उसका बहुत ही स्ट्रांग होता है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है अब हम प्राप्त कैसे करें हमने सिल्क स्पाइडर का जीन डाल दिया बकरी के अंदर तो बकरी का जो दूध आ रहा है उस दूध में सिल्क स्पाइडर का रेशा आ जाता है फाइबर आ जाता है और फिर उससे सोचिए सिल्क स्पाइडर इतना मजबूत होता है दोस्तों स्टील के बराबर मानते हैं उसको तो सिल्क स्पाइडर बनाने में स्पाइडर बनाने में काम आता है दोस्तों ये तो सिल्क प्रोटीन तैयार करते हैं बकरी के दूध में हम लोग सिल्क मिल्क कहते हैं इसको हम कहते हैं सिल्क मिल्क सिल्क मिल्क कहते हैं पहचानी जो मिल जाए तो सिल्क मिल्क क्या है बकरी का वो दूध जिसमें सिल्क फाइबर होता है और सिल्क फाइबर कहाँ से आता है सिल्क स्पाइडर से आता है तो ये भी हम कम कर रहे हैं मछलियाँ तैयार कर रहे हैं जेनेटिक मॉडिफाइड दोस्तों हम कई प्रकार के सुअर जीएम सुअर तैयार कर रहे हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों आप देख रहे हैं फैट का इश्यू कम हो जाता है और यहाँ पर एक लेस फैट वाला मीट प्राप्त होता है आपको दोस्तों यहाँ पर यह आप देख सकते हैं आपने मेंढक तैयार कर दिया मेंढक में क्या कर दिया उसको जो टेटपोल है मेंढक है उसकी सरफेस ट्रांसपेरेंट कर दी उसकी स्किन ट्रांसपेरेंट हो गई यार मतलब ट्रांसपेरेंट स्किन हड्डी हड्डी दिख रही होंगी इधर की उसकी अब इससे क्या होगा वैज्ञानिक को रिसर्च करेंगे तो दिख जाएगा उनको बाहर से मारना नहीं पड़ेगा मेंढक को काटना नहीं पड़ेगा दिख जाएगा बाहर से अंदर क्या हो रहा है उसके यहाँ जी हाँ दोस्तों तो यहाँ पर आप मेंढक को या टेटपोल्स को आप कर रहे हैं स्टारफिश को ट्रांसपेरेंट कर दिया आप लोगों ने जिससे हम जान सकें उनके अंदर काटा काटा ना पड़े हमको यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा मेरा फेवरेट ये देख रहे हैं दोस्तों फेदरलेस चिकन या ये जो आप देख रहे हैं ये मुर्गी ये क्या है दोस्तों ये यहाँ पर इसके पंख नहीं है इसमें आप देख रहे हैं बॉडी पे खाल नहीं है यहाँ पर क्योंकि ये गर्म इलाकों में अगर पैदा करना है तो गर्म इलाक़ों में मुर्गियाँ जल्दी मर जाती हैं बीमार पड़ जाती हैं उनकी गर्मी बहुत ज़्यादा होती है उनको और ये फेदरलेस चिकन क्या कर रहा है ये केवल मांस पैदा कर रहा है जी हाँ जो नॉनवेज खाते हैं बहुत डिमांड है दुनिया में आ, बहुत ज़्यादा मुर्गियों की संख्या बढ़ानी पड़ती है हमको तो ऐसे में ये जो फेदरलेस चिकन है दोस्तों ये जो चिकन तैयार किए गए हैं जिससे बड़े स्केल पर गर्म इलाकों में ही मुर्गियों को पैदा किया जा सके मुर्गियों की संख्या बढ़ाई जा सके प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है दोस्तों ये बात तो है पढ़ेंगे डिसएडवांटेज में लेकिन हाँ एग्जांपल हैं आपके सामने चलिए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहाँ से यहाँ तक कोई प्रश्न आपके पास है या आगे बढ़ो जल्दी से आइए मुझे फटाफट सब लोग एक ही लिखेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ जल्दी सभी लोग क्लियर है हम लोगों को सभी लोग यार शेयर तो करो फटाफट यार ऐसे कैसे काम चलेगा ठीक है सर यहां तो सब कुछ ठीक है ठीक है सर चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे चलें आपके साथ आइए वर्ल्ड स्टेटस दुनिया में कहां कहां जीएम हो रहे हैं दोस्तों उनकी बात करें फिर आएंगे भारत के ऊपर दुनिया में हम बात करें देश दुनिया की पहली फसल जो थी वो जीएम टमाटर थी ये इंडिया में नहीं होती है लेकिन दुनिया में हम देखेंगे जीएम टमाटर थी दोस्तों ये ये जी एम टमाटर जो थी टमाटर जो थी इसका एक तकनीकी नाम था दोस्तों चाहे तो याद रखिएगा आप लोग एफ एल ए वी आर फ्लेवर एस ए वी आर जीन रहा होगा उसके नाम पर रहा होगा ये तो ये जी एम टमाटर था ऐसी खास बात क्या थी दोस्तों ये लंबी अवधि तक सड़ता नहीं था आम टमाटर पैंतालीस दिन में सड़के खराब हो जाता है लेकिन ये पैंतालीस दिन में वैसा ही बना रहता है ऐसा पहले होता था तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात थी इस टमाटर के साथ जी एम टमाटर इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है दोस्तों हम देख रहे हैं यहाँ पर टमाटर का नाम लिखा है दुनिया की पहली जी एम जो फसल थी वो थी जी टमाटर इसका नाम था फ्लेवर सेवर आप देख रहे हैं नाम लिखा है नीचे मैंने आमतौर तो पर टमाटर 10 दिन में खराब हो जाता है 20 दिन में 45 दिन में पूरा खराब हो जाता है पाँच छः हफ्ते के अंदर लेकिन ये जीएम टमाटर दोस्तों वैसा ही बनाता है छः हफ्ते बाद भी तो आप इसको ट्रांसपोर्ट करना आसान है इसको बेचना आसान है दोस्तों जी हाँ इसको तैयार किया था कैलिफोर्निया कंपनी ने तैयार किया था इसको ये सॉफ्ट नहीं पड़ता था लगातार छः सात हफ्ते बाद भी दोस्तों जी हाँ उसके बाद कई क्रॉप आ चुकी दुनिया में अब तक है तो दुनिया में कई क्रॉप आ चुकी है पहली कमर्शियल क्रॉप जो थी दोस्तों वो थी टमाटर आपकी इसका नाम आप देखेंगे अमेरिकन कंपनी कैलिफोर्निया चलिए दुनिया में बाकी स्थिति क्या है स्थिति चलिए आगे बढ़े दोस्तों हम लोग यहां से वर्ल्ड दुनिया में, में, में कहा क्या हो रहा है समझिएगा लगभग 18 मिलियन किसान जी हाँ लगभग एक करोड़ मैं कहूं यहां पर एक करोड़ 80 लाख किसान पैदा करते हैं जीएम फसलें डेटा सुन लीजिए काम आएगा आपको अधिकांश विकासशील देशों में दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज में है किसान हमारे यहाँ पर लगभग 18 मिलियन एक दशमलव आठ करोड़ किसान जेनेटिक फसलें उगाते हैं जिसमें अधिकांश विकासशील गरीब विकासशील देशों में दोस्तों बात करें डेटा की कुछ और यहाँ पर सेवेंटी देशों में जीएम फसलें उगाई जाती हैं रिसर्च हो रहा है जीएम फसलें उगाई जा रही हैं अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर सबसे लार्जेस्ट एरिया कहाँ पर है अमेरिका में ब्राजील में अर्जेंटीना में भारत आदि में लार्जेस्ट इलाके हैं जहां जीएम क्रॉप होती हैं ये अलग बात है भारत में जीएम क्रॉप की और बेटी कॉटन लेकिन काफी बड़े इलाके में है कुछ डेटा दिखाऊंगा दोस्तों में फिर आगे बढ़ेंगे आपके साथ डेटा देख लीजिए एक बार और मेरे साथ यहाँ पर आप लोग ये ग्राफ देखिएगा दोस्तों इस ग्राफ को देखते हैं आपके साथ ये ग्राफ क्या कह रहा है तो लगभग हम देखें 18 मिलियन किसान वो उत्पादन करते हैं दुनिया के कुछ देशों में अगर मैं कहा कनाडा में कहूँ तो कनाडा में आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा इलाका खेती होती है यहाँ पर कनाडा में तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कनेला का उत्पादन होता है बड़े स्केल पर नाइन्टी फाइव परसेंट कैनोला किससे बनता है दोस्तों वहाँ पर जी से बनता है अमेरिका की बात करें दुनिया का सबसे अधिक सोयाबीन जी सोयाबीन अमेरिका पैदा करता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बायोटेक क्रॉप्स का दोस्तों लगभग दुनिया की कुल फसलों का 36 सिक्स परसेंट बायोटेक कहाँ बायोक्रॉप कहाँ होती हैं अमेरिका में होती हैं मैक्सिको में देख रहे हैं बीटी कॉटन आपको दिख रहा है फसल होती हुई कोस्टारिका कोलंबिया बोलीविया चिली अर्जेंटीना ब्राज़ील में मक्का होता है गन्ना होता है सोयाबीन हो माफ़ कीजिएगा सोयाबीन होता है कपास होता है तो आप ये देख रहे हैं आप ब्राज़ील भी ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है विकासशील देशों में जो काफ़ी उत्पादन करता है भारत की बात करें देखिए अफ्रीका के देशों में क्या ना विकासशील देख रहे हैं सूडान इथोपिया मलावी साउथ अफ्रीका नाइजीरिया सभी देशों में बीटी कॉटन हो रहा है भारत की बात करें भारत में एकमात्र क्रॉप दोस्तों कौन सी है बीटी क्रॉप कॉटन है पाकिस्तान में बीटी कॉटन होती है दोस्तों बांग्लादेश में बीटी बैंगन होता है देख रहे हैं बांग्लादेश में बीटी बैंगन होता है दोस्तों पड़ोसी राष्ट्र म्यांमार में अब देख रहे हैं इंडोनेशिया में गन्ना उत्पादन होता है वियतनाम की बात करें बाकी देशों की बात करें तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं दुनिया के कई देशों में फसलें उगाई जाती हैं और अल्टीमेटली Uh, सबसे ज्यादा क्रॉप कहाँ होती है अमेरिका के अंदर दोस्तों एक डेटा दिखाऊंगा मैं आप फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग से देखिएगा दोस्तों लिखने में आपको ये सोयाबीन बायोटेक सोयाबीन या बी सोयाबीन की बात करें नाइनटीन से सिक्स उत्पादन किया जा रहा है बी सोयाबीन दोस्तों नाइनटीन से उत्पादन हो रहा है लगभग अठारह देशों में आ, इसका यूज होता है प्लांटेशन होता है दोस्तों लगभग यहां पर अठारह देश का यूज करते हैं। मुझे कहना चाहिए अमेरिका में सबसे अधिक होता है दोस्तों बीटी सोयाबीन जी हाँ बीटी सोयाबीन सबसे ज़्यादा अमेरिका में उसके बाद ब्राज़ील में होता है बीटी मक्का की बात करें दोस्तों बीटी मक्का की बात करें बीटी मक्का पंद्रह देशों में अप्रूव है दोस्तों अमेरिका ब्राज़ील अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका के देश काफ़ी उत्पादन करते हैं एक बरगवे उरुग्वे यहाँ पर हम देख रहे हैं यहाँ पर चिली का नाम भी आता है लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील है अमेरिका है बड़े देश हैं दोस्तों यहाँ पर इस कंट्री में देखा जाए ठीक है और चले ये हुआ मक्के की बात दोस्तों भारत की बात करें दोस्तों इंडिया टॉप है किसमें बी टी कॉटन में जी हाँ तो बी टी कॉटन जो है 1996 की हम बात करें इंडिया में आया था तो दो हज़ार दो से प्रमिशन लगी थी इसको इंडिया में दुनिया के आठ देशों में इसका इंपोर्ट हो सकता है पंद्रह देश का उत्पादन करते हैं दुनिया का सबसे अधिक बी टी कॉटन का जो इलाका है वो इंडिया में है दोस्तों भारत के लगभग सेवेंटी फाइव यानी पचहत्तर लाख किसान बीटी कॉटन पैदा करते हैं जी हाँ दोस्तों हमारे यहाँ टॉप कॉटन प्रोड्यूसर है वर्ल्ड के हम लोग और बीटी कॉटन हमारे कुल कपास का लगभग नाइन सिक्स परसेंट सुनने के लिए समझने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा आपके साथ अब तो का इलाका देश में कपास बीटी कॉटन होता है जी हाँ दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ हम लोग यहां से अब चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों आगे चलते हैं आपके साथ अब आते हैं नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पर अपनी दुनिया के बुध देश में दादी आपको मैंने यहाँ पर सारा रेटा हो गया आपके लिए चलिए अब बात करें इंडिया की दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारत की बात करेंगे भारत में हम लोग कैसे काम कर रहे हैं बीटी को लेकर भारत में क्या क्या, क्या स्टेटस राइट ना हो जैसे मैंने बताया आपको वर्ष 2002 से हमारे यहाँ बीटी कपास पैदा किया जा रहा है बीटी कॉटन पैदा हो रहा है कमर्शियल रूप से पैदा होता है अधिकांश कपास बीटी कपास होता है कोई समस्या नहीं है दो से लगातार प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ विवाद आए बात को वादों के आगे जाकर लेकिन हाँ भारत में हम बात करें स्थिति क्या है तो बीटी कपास समझ लीजिए दोस्तों भारत में बीटी कपास 2002 में इसी संस्था जीईएसी ने अप्रूवल दिया था पहले छः राज्यों के लिए और फिर यहाँ पर बाकी राज्यों में इसको लागू कर दिया गया दोस्तों जी हाँ तो यहाँ पर पहले हमारे यहाँ बॉल वॉम लगता था कपास के पेड़ पर पे, बॉल वॉम ये बॉल वार्म जहाँ की कीटाणु था लगता था पेड़ के ऊपर और कपास को ख़राब कर देता था तो हमने क्या किया बी कॉटन को यूज़ किया बी कॉटन वालों में क्या होता है वन लाइन सुनिएगा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है दोस्तों बी कॉटन होता क्या कैसे काम करता है हमारा ये कामली कपास का फूल है यहाँ पर ठीक है ये अपना कीड़ा आया ठीक है कीड़ा आके चिपका इससे और बीटी कॉटन को खा कॉटन खा गया कपास खा गया खराब हो गया कपास मेरा अब मैंने क्या किया मैंने इसको संशोधित किया इसमें जीन जोड़ा क्राई वन ए जीन जोड़ा दोस्तों मैंने इसके अंदर जो मैंने कहाँ से लिया है बेसिलस थ्रोन्जेसिस नाम से लिया है बैक्टीरियम बेसलस थ्रोंजेसिस से लिया है मैंने दोस्तों ये जीन लिया मैंने कपास में डाला और नया जो कपास का फूल बना अब ये जो बी कॉटन बना है अब इसमें क्या होगा अब जैसे ये बैक्टीरिया इस पर आएगा ये बैक्टीरिया इसके पास आया ठीक कोई समस्या नहीं आने को मना नहीं करेगा आ जाओ भैया लेकिन अब ये बी कॉटन क्या कर रहा है इसके अंदर जीन है कौन सा क्राईवन ए जीन और जीन क्या होता है दोस्तों जीन क्या करता है जीन शरीर में प्रोटीन तैयार करता है जीन का मुख्य काम क्या है जैसा जीन होता है वैसा प्रोटीन होता है अगर मेरी शरीर के अंदर जीन है ब्लू आइस का तो नीली आंखें बनेंगी मेरे अंदर शरीर में जीन है इतनी हाइट को तो हाइट वैसी होगी यानी आपका जीन डिसाइड करता है कि आपका लुक आपका आपका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा ऐसी प्लांट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होंगी ये कौन तय करते हैं उसके जीन तय करते हैं तो जीन क्या करता है जीन के इंफॉर्मेशन लेके प्रोटीन तैयार होता है शरीर के अंदर वैसे ही इसके अंदर नया जीन आ गया कॉटन में अब क्राइबन ए जीन आ गया अब ये जीन क्या करेगा प्रोटीन तैयार करेगा अब प्रोटीन कहां पर होगा ये कपास के फूल में लगा होगा प्रोटीन आसपास लग गया अब जैसे ही बैक्टीरिया खाना चालू करेगा इसको जैसे ही खाएगा बॉलवॉम इसको वो मर जाएगा ऑन द स्पॉट डेड यानी जैसे ही वो खाना चालू करेगा उसकी मौत हो जाएगी क्या वो पनप पाएगा नहीं पौधा हमारा ऐसा का ऐसा रहेगा यानी कि कपास के पौधे को हमने जहरीला बना दिया मेरे लिए नहीं उस बॉलवॉम के लिए वो आया इसने खाया कपास का फूल वहीं मर गया वो यानी कपास का फूल अब टॉक्सिक हो गया लेकिन वो इंसान में नुकसानदायक नहीं है इंसान उस प्रोटीन को खाता तो है नहीं मुझे चिंता क्या मुझे करना क्या कपास कभी खा तो मुझे है नहीं यार चिंता क्यों करूं मैं तो बॉल वार्म के लिए नुकसानदायक है इंसान के नुकसानदायक नहीं है वो अगर इंसान खा भी ले तो कोई बात नहीं होती है ठीक है दोस्तों तो क्राय वन एसी जीन की हम बात करें ऐसे काम करता है आपका बीटी कॉटन तो बीटी कॉटन लाया गया दोस्तों बॉल वार्म के हमले से रोकने के लिए बीटी कपास की शुरुआत की गई और इसको बनाया दोस्तों ग्लोबल कंपनी अमेरिकी कंपनी मॉन्सेंटो के सहयोग से मॉनसेंटो नाम दिख रहा है कहीं आपको मॉन्सेंटो मॉन्सेंटो ये रहा मॉन्सेंटो मॉन्सेंटो दोस्तों अमेरिकन कंपनी थी मोन्सेंटो के सहयोग से इसको तैयार किया था महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड कंपनी माइको ने तो दोनों कंपनी को ज्वाइंट वेंचर था दोस्तों ये मोन्सेंटो की रिसर्च थी इसको इंडिया में तैयार कर रहे थे माइको के सहयोग से तो ये हमारा बीटी कॉटन था आज भी चल रहा है दोस्तों आज भी देश में नाइनटी फार्मर परसेंट बी कॉटन का यूज करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग यहां से आगे चले आपके साथ एक और फसल हमारे यहां पर दोस्तों बीटी ब्रिंजल या बीटी बैंगन जी हाँ बीटी बैंगन बीटी बैंगन की बात करें तो बीटी बैंगन इंडिया में परमिशन तो मिली थी हुआ क्या रिसर्च हुई पहले काफ़ी सारी हमारे यहाँ तैयार किया बीज हमने बैंगन अच्छी खास फसल है हमारे काफ़ी लोग खाते हैं तो बी बैंगन की मांग भी थी तो बी बैंगन का बीज तैयार किया रिसर्च करके तैयार कर लिया सरकार ने मंजूरी भी दे दी कब मंजूरी दी दो में सरकार ने मंजूरी दे दी भाई पैदा करो किसान सड़कों पर आ गए मारधाड़ करने लगे प्रोटेस्ट हो गया देश के अंदर सरकार ने कहा नहीं छोड़ 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 नहीं लेना परमिशन वापस तो बीटी बैंगन का अप्रूवल देने के बाद लेकिन स्थानीय किसानों के प्रोटेस्ट को देखते हुए भारत सरकार ने इसको वापस ले लिया लेकिन आपने देखा पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश बैंगन उगाता है आपने देखा पीछे फोटो में भी बैंगन उगता है कहां पर हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में हमारे लोगों ने विरोध किया किसानों ने विरोध किया हमने वापस ले लिया हमें परमिशन देनी नहीं है आपको तो याद रखिएगा जीईएसी की परमिशन के बाद भी फसल का उत्पादन होगा या नहीं ये भारत सरकार तय करती है चलिए लौट के आए दोस्तों अपने आज के टॉपिक पर अब आएगा अपना आज का टॉपिक दोस्तों वो है जीएम या मुझे कहना चाहिए जी, जीएम सरसों जी हाँ देश में परमिशन दे दी गई जीएम सरसों की सरसों महंगा हो गया यार मतलब क्या ना करे सरकार तिलहन का दाम वैसे इतना महंगा हो गया है मतलब तिलहन तो महंगा होता है ढाई सौ रुपये किलो सरसों बिक्री थी कुछ दिनों पहले यार मतलब तो सरकार को लगता इतना महँगा हो रहा है खाने को सरसों है नहीं देश के अंदर आप तिलहन आता है कहीं हमारा तिलहन का खासकर सूरजमुखी की बात करें कई प्रकार के तेल आते हैं रशिया से आते थे महंगे हो गए वॉर के चलते आ नहीं रहे इंडोनेशिया ने उस पर पाम ऑयल पर टैक्स लगा दिया वही महंगा हो गया इंडिया में थोड़ा महंगा हो गया सरकार ने मिशन लॉन्च कर दिया लास्ट ईयर आपको याद होगा तेल को लेकर पाम ऑयल को लेकर मिशन लॉन्च कर दिया सरकार चाहती है घर में उत्पादन बढ़े तिलहन का ऑयल सीड का उसी कड़ी में एक प्रयास और मान सकते हैं जी ने परमी नेमिश जी की परमिशन गई दोस्तों जी सरसों के ऐसा माना गया है किसका उत्पादन होगा तो अधिक पैदावार होगी अधिक क्वांटिटी बढ़ेगी अधिक हील्ड पैदा होगी दोस्तों जी हाँ ऐसा माना गया है ठीक है अब बात करते हैं कौन सी फसल है दोस्तों फसल का नाम यहां पर है डीएमएच एम इलेवन ठीक है याद रखिएगा डीएमएच एम इलेवन धारा मस्टर्ड हाइब्रिड डीएमएच धारा क्रॉप का नाम है आ, मस्टर्ड फसल है ही अपने आप में और हाइब्रिड चूंकि बनाया गया है तो धारा मस्टर्ड हाइब्रिड इलेवन ये एक फसल तैयार की गई है इसके अंदर किसी से जीन लिया गया होगा कोई जीन लिया गया होगा दो चीजें होंगी दोस्तों एक जीन देने वाले का नाम एक वो जीन जो जा रहा था और ये फसल ये फसल हो गई डी एम एच इलेवन इसका नाम है बी टी कॉटन की जगह इसका नाम है डी एम एच एलेवन जो जीन जा रहे थे यहाँ से यहाँ आ रहे हैं जीन वो जीन कौन से हैं वो दो जीन है दोस्तों याद रखना है आपको बारनेज और बार स्टार जीन ठीक है बड़ा अच्छा सा स्टारफुल नाम है इनका बारनेज एंड बार स्टार जीन का नाम है दोस्तों यहाँ पर वहाँ क्राई वन ए सी था ना जीन यहाँ पर दो जीन है बारनेज और बार स्टार ये जीन आए जुड़े धारा सरसों से और धारा सरसों बन गया धारा सरसों हाइब्रिड एलेवन डी एम एच एलेवन दिल्ली यूनिवर्सिटी के हमारे प्रोफेसर दीपक पेंटल साहब ने तैयार किया ये ज़्यादा दूर नहीं जाना आपको तो डी के प्रोफेसर यूपीएससी क्वेश्चन पीटी 2018 में पूछा था तीन स्टेटमेंट दिए थे दो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक थे तीसरा स्टेटमेंट था इसे पंजाब विश्वविद्यालय के सहयोग से तैयार किया गया है तैयार तो किया डी के प्रोफेसर ने या डी के हमारे चांसलर साहब ने ठीक है तो ध्यान सुनिएगा तो डीएमएच एम इलेवन को तैयार किया गया दोस्तों क्या किया गया दो जीन डाले गए किसमें धारा में धारा एक किस्म है सरसों की एक वैरायटी है सरसों की उसमें डाला गया क्या बारनेस बारस्टार जीन अब ये जो धारा मस्टर्ड था बन गया क्या धारा मस्टर्ड हाइब्रिड बन गया ये अब बड़ी बात है सर जीन लाए कहां से गए हैं बीटी कॉटन में लाए गए थे बेस्लस थ्रोनजिस से यहां कहां से लाए गए हैं दोस्तों यहां लाए गए हैं बेस्लस एमाइलो से जी दोस्तों एक नाम देख रहे हैं इसके मेरे बैक्टीरियम का बैक्टीरियम कॉल्ड एज बेसिलस एमिलो लिक्विफिशंस दोस्तों ये नाम है इसका इस 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 मुझे कहना चाहिए शॉर्ट ऑफ इस बैक्टीरिया इस बैक्टीरियम का दोस्तों एमिलो लिफिशंस का नाम दोस्तों आप देख रहे हैं याद कर लीजिएगा ये बी ए है वो बी टी था ये बी ए है ठीक है वो बी टी कॉटन था ये बी ए हो गया बेसलस एमिलो की बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग यहां से लेकर आए हैं वो जीन जीन का नाम है बारनेस इस बार स्टार और शामिल कर दिया हमने धारा मस्टर्ड में दो जी मिला दिए बन गया धारा मस्टर्ड हाइब्रिड ठीक है ये दोस्तों याद रखिए डीएमएच इलेवन तैयार है, है स्वदेशी स्तर पर इधर मॉन्सेंटो नहीं है कोई मॉन्सेंटो नहीं चाहिए अमेरिका की हमने खुद ने तैयार किया हमें खुद आ गया है तो आत्मनिर्भर भारत हो रहा है जी आँगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे आपके साथ ठीक है चलो बहुत बढ़िया दोस्तों बहुत बढ़िया चलिए इससे फायदा क्या होता है दोस्तों इस जीन का प्रयोग करने से पॉलिनेशन इन मस्टर्ड क्रॉप मस्टर्ड में प्रजनन गतिविधि बढ़ जाती है मस्टर्ड में प्रजनन गतिविधि बढ़ जाती है सेल्फ पॉलिनेशन बढ़ जाता है जी हां जो पौधों के प्रजनन करने का तरीका होता है मस्टर्ड में प्रजनन काफ़ी कम होता है इसलिए क्रॉप का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं आती कई पेड़ पैदा नहीं होते लेकिन इस प्रजाति का यूज़ करने से जीन का यूज़ करने से सेल्फ पॉलिनेशन अधिक होता है और कहीं ना कहीं जो खरपतवार होती हैं या कई प्रकार के हर्बिसाइड्स होते हैं उससे बेहतर फायदा मिलता है जी हाँ दोस्तों अवांछित पौधे हो जाते हैं कई बार खेत के अंदर वो सारा मिनरल ले जाते हैं अवांछित पौधे जो हर्बिसाइड्स होते हैं तो अवांछित पौधों को मारने के लिए जो आप स्प्रे करते हैं हर्बिसाइड स्प्रे करते हैं उसके प्रति भी टॉलरेंट होता है ये डी उससे भी असर नहीं पड़ेगा खत्म नहीं होगा तो प्रजनन अच्छा होगा पॉलिनेशन अच्छा होगा हर्बिसाइड टॉलरेंट होगा ये पौधा हमारा क्वालिटी बढ़ेगी यील्ड बढ़ेगी उत्पादकता बढ़ेगी सबका फायदा विन विन सिचुएशन है दोस्तों डीएमएच इलेवन की बात में कर रहा हूँ इसे तैयार किया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट द्वारा परमिशन दे दी गई थी इसको दोस्तों लेकिन बाद में सरकार ने इसकी परमिशन को या कहना चाहिए मुझे यहां पर जीएससी ने दिया था परमिशन सत्रह में लेकिन बाद में कोर्ट ने इसको रोक दिया था यहां पर और कोर्ट ने कहा था भाई जनता से पूछ जनता प्रोटेस्ट क्यों कर रही है जब सरकार ने जो सरा में इसकी परमिशन दी थी तब भी जनता प्रोटेस्ट कर रही थी जनता ने प्रोटेस्ट किया सरकार ने, ने इसको वापस ले लिया अब सरकार फिर पांच साल बाद लेकर आई है इसको फिर कहती है कमश उत्पादन करो इस बार देखते हैं प्रोटेस्ट होता है क्या नहीं लेकिन पांच साल पहले भी जीएम सरसों की इसी कक्षा में मैंने बात की थी और मैंने कहा था जीएम सरसों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है स्वदेशी जागरण मंच ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया देश में प्रोटेस्ट फैला फिर ये और व्यापारी शामिल हो गए किसान शामिल हो गए प्रोटेस्ट के अंदर और फिर सरकार को वापस लेना पड़ा फैसला अपना और सरकार बैक ट्रैक पर बैकफुट पर आ गई थी इस फैसले के बाद दोस्तों चलिए दोबारा परमिशन दिए सरकार ने अलग बात है चलिए इन पॉइंट बात किया दोस्तों यहाँ पर मैं आऊंगा लाभ हानि पर आपके साथ क्या है प्रोज कॉन्स क्या है फायदे नुकसान दोस्तों इस चीज़ के यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं क्या मेरी आपको क्या यहां तक सब कुछ स्पष्ट है आपको बताइए जल्दी से मुझे फिर मैं आगे बढ़ू दोस्तों क्या कोई सवाल यहाँ तक आपके पास है क्यों प्रोटेस्ट होता है बताऊंगा बेटा अभी आएगा क्वेश्चन आएगा लाभ हानि में आएगा प्रोटेस्ट क्यों होता है इसका बस सीधी बात है प्रोटेस्ट का बहुत सिंपल से रीजन है प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उत्पादन बढ़ेगा बढ़ा उत्पादन जो व्यापारी बैठा है ना व्यापारी को फायदा कब होता है जो मिचौलिया है बीच व्यापारी है कम उत्पादन होगा तो प्राइस तभी तो बढ़ेगा सरसों का प्राइस ढाई सौ कब रहेगा जब उत्पादन कम रहे उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया ना तो प्राइस डाउन हो जाएगा और प्राइस डाउन होगा तो किसको नुकसान हो जाएगा सोचिएगा वो प्रोटेस्ट कौन कर रहा होगा ये एक लॉजिक है बाकी और लॉजिक भी प्रोटेस्ट करने के हैं लेकिन एक करके ये भी है तो जो व्यापारी है वो किसान को कहता है ये देख लो यार मैं नहीं खरीदूंगा सस्ता महंगा पैसा दूंगा तुमको ये जी क्रॉप आने वाली है कल इंडिया में ज़्यादा उत्पादन आने वाला है मंडी में मैं नहीं खरीदूँगा तुम्हारी फसल महंगी किसान डर जाता है यार नहीं यार फसल नहीं बिकेगी बिकेगीचे प्रोटेस्ट कर लेते हैं पाँच दिन बैठकर तो किसान को अवेयरनेस की आवश्यकता है वैज्ञानिक तथ्यों को सामने रखने की आवश्यकता है एक प्रोटेस्ट का एक तारक है और बताऊंगा प्रोटेस्ट के कारण क्या क्या हैं दोस्तों मैं आपको बताऊँगा वहाँ पर भी आगे बढ़ते हैं दोस्तों लाभ हानि की बात करें दोस्तों फायदा क्या होता है पॉइंट्स में सुन लीजिए फटाफट फायदे क्या होते हैं जीएम क्रॉप के जी हाँ इससे क्या कर सकते हैं आप आप कई प्रकार के कीटनाशकों डिजीज पर्यावरणीय कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं खराब होने में कमी कर सकते जल्द फसल जल्दी खराब होती है उसमें कमी कर सकते हैं रासायनिक उपचार आप कोई स्प्रे करते हैं फसल के ऊपर किसी कीट को मारने के लिए किसी खरपतवार को मारने के लिए आप स्प्रे करते हैं कई बार फसल ही खत्म हो जाती है तो फसल में रेजिस्टेंस आ जा जाए उस स्प्रे के प्रति उस हर्बिसाइड के प्रति टॉलरेंस आ जाए ये आप काम कर सकते हैं दोस्तों जी हाँ इंड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू केमिकल ट्रीटमेंट जी हाँ फसलों पर रसायन जो डालेंगे आप किसे मारने के लिए कीड़े को मारने के लिए कीट को मारने के लिए टिड्डे को मारने के लिए आप जो स्प्रे करेंगे उससे फसल ही बन हो जाती है कई बार तो फसल के अंदर रेजिस्टेंस आ जाए भाई केमिकल असर ना करें मेरे ऊपर कीड़ा मर जाए मैं ना मरू तो वो आप कर सकते हैं दोस्तों इंप्रूविंग द न्यूट्रिएंट प्रोफाइल जी हाँ पोषक तत्व तो अच्छे कर सकते हैं आयरन जिंक की मात्रा बढ़ानी हो आपको उसके अंदर प्रोटीन विटामिन बढ़ाने हैं कुछ प्रोटीन इंट्रोड्यूस करना है आपको वो आप कर सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन जी हाँ आप मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं आप यहाँ पर इसके अलावा हाई सेलाइन सॉइल है दोस्तों मिट्टी बहुत ज़्यादा लवड़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा नमक आ गया मिट्टी में सिंचाई बहुत ज़्यादा की थी आपने हरित क्रांति में मिट्टी खराब कर दी आपने हरियाणा में जाके देखिए बगल में हमारे मिट्टी खराब हो चुकी है खेती नहीं होती वहाँ पर कारण किसानों ने इतना हैवी इरीगेशन किया इतना पानी भर दिया वहाँ पर खेत के अंदर कि अब सॉल्ट बचे मिट्टी में केवल तो मिट्टी सैलाइन हो जाती खेती नहीं होती तो हमें ऐसी क्रॉप चाहिए जो उस नमक वाली मिट्टी में भी हो सके हमें हाई सेलाइन हाई सेलाइन सॉइल में रजिस्टिव फसल चाहिए वो कहाँ से आ सकती है दोस्तों यहां से आ सकती है हमें क्या चाहिए हमें फ्लड के प्रति रजिस्टर हो जाए हम सूखे के प्रति रजिस्टर हो जाए इसका फायदा कब मिलता है दोस्तों ये सब फायदे होते हैं हमें जब हम क्रॉप होती है हमारी कौन सी जीएम क्रॉप जी हाँ जी दोस्तों जीएम क्रॉप में काम होता है ये तो आप बताया मैंने आपको जीएम क्रॉप के फायदे दोस्तों इंसेक्ट रेजिस्टेंस वायरस के प्रति ये हो सकते हैं हर भी साइड टॉलरेंस हो सकते हैं ठंड गर्मी सूखा लवणता के प्रति उच्च सहनशीलता होती है जी हाँ दोस्तों तो बहुत ज्यादा फसलें और पर्यावरणीय लाभ होते हैं इससे जीएम क्रॉप से बता रहा हूं मैं आपको जीएम क्रॉप के लाभ बता रहा हूं यहां पर अभी चलिए आगे बढ़े दोस्तों आगे चलें क्या हमें फूड सिक्योरिटी मिलती है जी हाँ चूंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है उत्पादकता बढ़ जाती है अधिक फसलें पैदा होकर आएंगी अधिक चावल अधिक गेहूं अधिक सब्जियां अधिक बैंगन आएंगे तो खास सुरक्षा बढ़ेगी दोस्तों जी हाँ तो जरूरत बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए आप में से कुछ लोग जोग्राफी ऑप्शन वाले होंगे दोस्तों पढ़ा होगा मालथा आपने जनसंख्या बढ़ती है आपको टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट करना पड़ता है फूड सिक्योरिटी के लिए आप जनसंख्या बढ़ती जा रही है लगातार अगर इंप्रूवमेंट नहीं होगा टेक्नोलॉजी में तो खाने की कमी पड़ेगी आपदाएं आ जाएंगी फिर तो जो पुश होता है बीच में टेक्नोलॉजी का जैसे हरित क्रांति थी हमारे यहाँ पर नाइनटीन के दशक में वैसे ही जीएम क्रॉप में है क्षमता उत्पादन को एकाएक बढ़ाने की जी हाँ दोस्तों तो हमें क्या चाहिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है अपने यहाँ पर इकोनॉमिक लाभ क्या होगा किसानों की इनकम बढ़ेगी सर उतने ही खेत में ज्यादा फसल होगी किसानों की इनकम बढ़ेगी और क्या फायदा होगा फसलें लंबे समय तक खराब नहीं होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन करना आसान होगा एक्सपोर्ट करना आसान होगा हमें फसलों का जी हाँ तो लॉन्गर शेल्फ लाइफ होगी डिपेंडेंस ऑन द इम्पोर्ट स्पेशली ऑयल सीड जी हाँ तिलहन बढ़ेगा अगर सरसों ज्यादा पैदा होगी तो बाहर से आयात पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी आज देश में तम तेल यूज करते हैं तिलहन सिक्सटी परसेंट इम्पोर्ट करते हैं साठ परसेंट इंपोर्ट करते हैं दोस्तों हम लोग इसके बाद क्या होगा डिपेंडेंसी ऑन ऑयल सीड इम्पोर्ट हमारा कम होगा फायदे की बात कर रहा हूं फायदा क्या क्या होगा दोस्तों यहां से ठीक है चलिए दोस्तों ये पॉजिटिव बात बात हो गई बात करें लोग पूछा था प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे हमारे किसान भाई ऐसा सर पे नो जीएम मस्टर्ड नो जीएमओ आखिर ऐसा लिख के क्यों बैठे थे हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे दो इस तरह में भी और अभी भी कर सकते हैं सरसों सत्याग्रह लॉन्च किया गया से नो टू जीएम फूड लॉन्च किया गया स्टॉप जीएमओ वी कैन जीएम कैन डिस्ट्रॉय अस अगर आएगा जीएम सरसों खेत और सेहत खराब बरसों ये थीम ये पंच लाइन देख रहे हैं दोस्तों आप यहां पर अगर आएगा जीएम सरसों खेत और सेहत खराब बरसों ये आप प्रोटेस्ट क्यों हुआ देश के अंदर कई इलाकों में प्रोटेस्ट देखा गया देश के अंदर ये फोटो दो के हैं दोस्तों अभी के नहीं है तब भी सरकार ने बात की थी जीएम सरसों लाने की तब भी प्रोटेस्ट हुआ था देश के अंदर जी हाँ ऐसा प्रोटेस्ट क्यों हुआ देश के अंदर कि मॉनसेंटो खुश है और आ, कुछ लोग संगठन नाराज हैं आज कल या परसों नहीं चाहिए जीएम सरसों ऐसा प्रोटेस्ट देश में क्यों हो रहा था हमारे यहाँ पर आखिर क्या कारण है इसके प्रोटेस्ट होने का तो जीएम सरसों के प्रोटेस्ट होने के कई कारण हैं मैं उस पर आऊंगा पहले एक नॉर्मल बात कर लें जीएम के खिलाफ लोगों की नाराजगी होती क्यों है इन जेनरिक वर्ड्स सामान्य शब्दों में जीएम सरसों पर पर्टिकुलर में आऊँगा थोड़ी देर में पहले हम बात करें जेनरिक सामानता जी एम चीज़ों से बुराई क्यों लगती है कोई जी एम मटर जी एम बैंगन जी एम बीज जी एम मेज़ जी एम सोयाबीन इनसे नाराज़गी क्यों है मेरे अंदर ठीक है आइए दोस्तों इस क्योंकि यहाँ पर पहली बात तो जो कंपनी बीज तैयार करती है उसका पेटेंट हो जाता है मोनोपोली करती है मार्केट के अंदर जितने का बीज बेचना चाहेगी उतने का बेचेगी फिर वो और आप कुछ नहीं कर सकते बीजों पर एकाधिकार राइट ऑफ फार्मर्स हमारे किसानों के अधिकार में कमी आती है राइट्स ऑफ फार्मर्स किसान कहाँ का अधिकार कम हो जाता है कंपनी का बीज है नहीं बे भे, महंगा बीज आप कुछ नहीं कर सकते हैं सरकार ने कहा सस्ता करो कंपनी कहती है मैं बेचूंगी नहीं जा रही हूँ जहाँ से आपको जो करना है करो मुश्किल होती है जी हाँ एक अधिकार होता है बीजों पर और बीज पे एक अधिकार का सीधा मतलब है देश की फूड सिक्योरिटी पे एक अधिकार मैं अनाज पैदा करूँगा खाऊंगा ना यार अनाज पैदा ही नहीं करने दोगे आप तो मुझे गलत है जी हाँ कंपनियाँ पहले लालच देती हैं सस्ता बीज देती हैं पैदा करना चालू कर दिए किसान ने उसकी इनकम बढ़ना शुरू हुई कंपनी दाम बढ़ा देती हैं किसान की मजबूरी खरीदना पड़ेगा जी हाँ तो निश्चित तौर तो पर एक बड़ी समस्या क्या है लागत बहुत ज्यादा है बीज की तो यहाँ पर एक बड़ी समस्या लागत में जटिलता है क्योंकि कुछ ही बेचती हैं और एक अधिकार होता है यहाँ पर एक बात हो रहा है टर्मिनेटेड सीड जी हाँ आमतौर पर हमारे आप जाएंगे ना परंपरागत गांव में गेहूं पैदा हुआ एक हिस्सा रख लो गेहूं का अगले साल बीज के रूप में काम आएगा ये अच्छा चावल पैदा हुआ धान पैदा हुआ एक हिस्सा रख लो या कुछ फसलें होती हैं जिनका एक हिस्सा आप रख लेते हैं अगले साल एज अ बीज के रूप में उसको प्रयोग करते हैं दोबारा आपको बीज नहीं लाने पड़ते लगभग तीन चार साइकिल साइकिल चल जाता है फिर चार साल बाद एक बार किसान बीज लेकर आ गया फिर चार साल तक वो उसी फसल का आउटपुट देता था बीज के रूप में जीएम ऐसा नहीं कर सकते आप जीएम में टमेटर सीड है यानी कि ये अपने आप में कहा जाए ये अपने आप में दोस्तों क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड डू नॉट क्रिएट बाइबल सीड ऑफ स्प्रिंग बाय डिजाइन जी हाँ दोस्तों बीज का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते आप इसके अलावा एनवायरमेंटल फसलों के ऊपर कई प्रकार के कीट निर्भर होते हैं कीट होंगे उसे पक्षी खाएंगे आकर आपने क्या किया कीट को ही मार दिया तो पक्षी क्या खाएगा और जब पक्षी नहीं खाएगा तो पक्षी खत्म हो जाएगा कई कई तितलियां कई मधुमक्खियां नष्ट हो गई जीएम क्रॉप के चलते मधुमक्खी पर यूपीएससी कई बार तितलियों पर यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है 2012 में और 2020 के पीटी में सेम क्वेश्चन सेम क्वेश्चन दो बार यूपीएससी ने पूछा तितलियों के ऊपर कारण सामने है तितलियों की जैविकता कम हो रही है नंबर ऑफ वैराइटीज इतनी कम हो रही हैं हमारे आसपास तो उसके लिए जिम्मेदार मानते हैं बीटी कॉटन को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पर और ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि लगातार आप ऐसी चीज़ें पैदा कर रहे हैं जहाँ कीट पनपते थे वो नहीं पनप रहे उनके ऊपर तो अल्टीमेटली क्या होगा बाकी जी जो टिके थे वो भी खत्म हो जाएंगे यानी बायोडाइवर्सिटी यहाँ खत्म हो जाएगी जी हाँ दोस्तों बायोडावर्सिटी कम कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं कम हो रही है इससे एथिकल कंसर्न भी है दोस्तों अभी देखा आपने फेदरलेस चिकन आप मुर्गी का रूप बदल रहे हैं यार वो उस 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 मेंढक को ट्रांसपेरेंट कर दिया आपने आपने आप पिक तैयार किया उसमें फैट कम कर दिया आप प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यार नैतिक चिंता है यार इथिकल कंसर्न है तो मेरा प्रकृति इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं आप खाने पीने के लिए अपने गलत है जी हां तो नैतिक कंसर्न भी है नैतिक कंसर्न है एनवायरमेंटल कंसर्न है दोस्तों मोनोपोली कंसर्न है इकोनॉमिक कंसर्न है फूड सिक्योरिटी कंसर्न है और निश्चित तौर पर किसानों की अवेयरनेस तो है यहाँ पर मुश्किल होंगी दोस्तों यहाँ पर चलिए आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे दोस्तों आपके साथ ये है दोस्तों हानि हमारी बात कर रहे थे हानी क्या है बाकी हेल्थ कंसर्न भी है दोस्तों, चलूं। एक चीज आगे देना चाहूंगा एक बार आपको पैदा कर रहे हैं दोस्तों ना, एक तर्क जीएम सरसों को सुनिए जीएम सरसों का विरोध क्यों रहा है भारत में इसकी बात में पर्टिकुलर जीएम सरसों का विरोध क्यों रहा है पहली बात तो यह है दोस्तों जीएम सरसों के बारे में कि जनाब आपने कहा कि जीएम सरसों का यूज करके हमारा जो उत्पादन होगा लगभग अभी पैदा करते हैं बारह तेरह क्विंटल पैदा करते हैं पर हेक्टेयर बढ़ जाएगा और शायद हो जाएगा अठारह उन्नीस यानी बारह तेरह यूनिट से बढ़कर अठारह उन्नीस यूनिट हो जाएगा पर हेक्टेयर में मान लीजिए आप ये दावा कर रहे हैं किसान भाई कह रहे हैं यार आप सुनो आप अच्छा इरीगेशन करो अच्छी क्वालिटी का देसी बीज लाओ स्वदेशी बीज लाओ तो इतना उत्पादन कर सकते हैं हमें आवश्यकता ही नहीं है जीएम क्रॉप की तो दुनिया के कई देशों ने दोस्तों दुनिया के कई देशों ने बात मैं करूं दुनिया के टॉप पाँच कंट्री की बात करें जो मस्टर्ड पैदा करते हैं यूके फ्रांस पोलैंड आदि ने और इन्होंने क्या किया दोस्तों इनके यहाँ पर जीएम ग्रो नहीं करते दोस्तों जीएम क्रॉप पैदा नहीं करते तब भी इनका मस्टर्ड प्रोडक्टिविटी अमेरिका से ज़्यादा है जबकि अमेरिका में जीएम क्रॉप होती है यानी कि सरसों का उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको जीएम क्रॉप की आवश्यकता है ही नहीं फिर क्यों पैदा कर रहे हो यार किसको फायदा देना चाहते हो किसको एक अधिकार देना चाहते हो कौन सी कमनी बनाएगी जी हाँ सवाल वही अपने आप में है तो एक प्रकार से डर हमारा क्या है दोस्तों यहाँ पर मैं बात कर दू इसमें डर क्या है वो सुन लीजिए <coughs> तो पहली बात तो जो 20 तैयार होगा उस पर एक अधिकार होगा वो तो यहां भी डर हमको है दूसरा नॉन जीएम सरसों भी अच्छा उत्पादकता दे सकता है दोस्तों नॉन जीएम सरसों में अच्छे उत्पादकता दे सकता है हमने देखा है राजस्थान में गुजरात में कई इलाकों में उनकी उत्पादकता उतनी ही आ रही है इतनी कि जी सरसों की आ रही है तो फिर क्यों सारा छिड़ा जाए यहाँ पर अपने आप में ठीक है दोस्तों इसके अलावा हमको डर ये भी है कि जी सरसों में जो बीज यूज़ कर रहे हैं हम लोग जी सरसों में जो बीज यूज़ कर रहे हैं एक समस्या और होगी हमारे यहाँ देश के कुछ इलाकों में होता क्या है सरसों के साथ एक और क्रॉप साथ में उगाई जाती है सरसों के मान लीजिए अभी की फसल है सरसों भी लगाई जा रही होगी कटेगी मार्च अप्रैल में जाकर तो सरसों के साथ एक क्रॉप और लगाते हैं आप अब ये क्या करेगा ये बीटी सरसों या जीएम सरसों ये दूसरी फसल को नष्ट कर देगा मानेगा वो तो खरपतवार है मानेगा वो तो अवांछित है मानेगा वो तो एक प्रकार से काम का ही पेड़ नहीं है तो आप लगाएंगे अगर जीएम के साथ दूसरा पेड़ लगाए आपने खेत में तो दूसरा पेड़ नष्ट हो जाएगा जीएम सरसों बचेगी हमारे किसान एक साथ दो फसलें उगाते हैं इस मौसम में कुछ किसान कुछ जगहों पर तो उनका मानना है जनाब दूसरी फसल उगा ही नहीं पाएंगे हमें तो हमें केवल और केवल फसल क्या नहीं पड़ेगी फिर जीएम सरसों ही पैदा होगी कोई फसल पैदा ही नहीं कर पाएंगे तो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं दोस्तों इसका क्योंकि उनका मानना है कि वो जीएम सरसों ही केवल पैदा कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों तो जीएम सरसों को लेकर एक बात यह भी है तो जीएम सरसों की बात करें हम लोग यहां पर समस्या ये भी आती है तो जीएम सरसों को लेकर विवाद यहां बना रहता है दोस्तों ठीक है आगे बढ़े दोस्तों आपके साथ कुछ अपडेट में लूंगा अपडेट क्या है हाल के दिनों में दोस्तों लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूँ दोस्तों इस बैच के बारे में आपको मैं ये लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपका छः नवंबर शाम पाँच बजे जी हाँ सुप्रीम बैच छः नवंबर शाम पाँच बजे आपको पहुंचना है दोस्तों हमारे अड्डा ट्वेंटी फोर के यूट्यूब चैनल पर जहां लॉन्च होगा बैच दोस्तों जहां जी की फैकल्टीज आपके संग जुड़ेंगी और बताएंगी इस बैच का प्लानिंग क्या है आ, कोड यूज़ करना है आपको वाई सिक्स जीरो फाइव और इस बैच को बाय करना है दोस्तों हमारा सुप्रीम जीएस बैच जो लॉन्च हो रहा है कल कल शाम पाँच बजे आपके लिए आगे बड़ा दोस्तों रीसेंट अपडेट क्या है बात सुन लीजिए मेरे साथ रीसेंट अपडेट क्या है इस डायग्राम को समझाएंगे थोड़ा सा हम लोग इस डायग्राम को समझेंगे दोस्त छोटा सा छोटा सा अपडेट है यहाँ पर अब तक क्या होता था हमारे भारत में हमने जो जी को परमिशन देते थे हम ये देखते थे कि नया जीन जोड़ा गया पुराना हटाया गया नया जीन जोड़ा गया तो परमिशन मिलती थी जी से लेकिन आजकल नई जीन जी एडिटिंग तकनीकें आ गई हैं दोस्तों जिसमें जीन जोड़ा नहीं जा रहा पुराना हटाया जा रहा है बस तो जीन एडिटिंग जहाँ पुराना हटाया जा रहा है जीन नया जोड़ा नहीं जा रहा जब वो नया जोड़ा नहीं जा रहा तो उसके लिए अधिक परमिशन की आवश्यकता नहीं है तो भारत सरकार ने छोटा सा काम कर दिया है दोस्तों वो सुन लीजिए भारत सरकार ने छोटा सा काम क्या कर दिया है अब यहाँ पर जी के पास हम समझेंगे तो नई जीन एडिटिंग से आपने कुछ बनाया है अगर आपने केवल जीन को हटाया है नया नहीं जोड़ा चेंज नहीं किया केवल हटाया है पुराने जीन को तो आपको उतनी परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इतनी कि बाकी जीएम फसलों पड़ती है तो छोटा सा अपडेट है दोस्तों याद रखेंगे आप लोग यहाँ काम आएगा आपके लिए मैं आगे बढ़ूंगा दोस्तों इस अपडेट से बाहर आऊँगा यहाँ से हमारा टॉपिक दोस्तों अब जो काम का है वो सुन लीजिए हमारा टॉपिक है यहां पर बीटी कॉटन जी हाँ दोस्तों बात मुझे करनी है बीटी कॉटन के बारे में ठीक है सर ठीक है सर अब सुनिए दोस्तों बीटी कॉटन की बात कर दू बीटी कॉटन विवादित फसल रही है हमारे यहां पर बीटी कॉटन के बारे में कहा जाता है कुछ मैंने आपके लिए समझ सकते हैं इसको हम लोग बीटी कॉटन के बारे में दोस्तों बीटी कॉटन की कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा रही हैं मैंने बताया आपको बीटी कॉटन ये जो हमारा बैक्टीरिया जो आता है दोस्तों नष्ट करता है बॉलवॉम है ऊपर दिख रहा है आपको तो मिस्टर विवाद हैं चलते रहते हैं हमेशा बी कॉटन के साथ बी कॉटन दो से बाद में पैदा हो रही है और जब से ये पैदा हो रही है दोस्तों विवादों के साथ इसका हमेशा नाता रहा है विवाद हमेशा साथ साथ चलते हैं बी कॉटन के चाहे वो इसकी फसल का महंगा होना हो कई विवाद आ चुके हैं दोस्तों बीटी कॉटन के साथ कई विवाद हम देखते हैं इसका बीज का महंगा होना मॉनसेंटो बहुत महंगा बीज बेचती है बहुत ज्यादा रॉयल्टी लेती है हमारी कंपनियों से तो बहुत महंगा बीज हो जाता है इसका कारण इसका। दूसरा एनवायरमेंट पर नुकसान देखा जा रहा है इसका पर्यावरण नुकसान देखा जा रहा है बीटी कॉटन का नई बीमारी आ गई है पिंक वॉल्वॉम जी हाँ ये जो वालवॉम था इसका नया रूप आ गया है पिंक वॉलवॉम आ गया है जिससे बीटी कॉटन नहीं लड़ पाता बीटी कॉटन के ऊपर बैठा रहता है दोस्तों ये पिंक वॉलवॉम नष्ट नहीं कर पाता तो पिंक बॉलवॉर्म से लड़ने के लिए बीटी कॉटन पर्याप्त साबित नहीं हो रहा हमारे यहाँ पर आजकल इसके अलावा दोस्तों हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन जी हाँ इसमें देश को परमिशन नहीं दी गई है हमारे यहाँ हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन अब होता क्या है बीटी टी कॉटन मान लीजिए कोई और कीड़ा आ गया उसको मारने या कोई और पौधा साथ में पैदा हो गया बीटी कॉटन के साथ कोई और पैदा पौधा पैदा, पैदा हो गया इसको मारने के लिए स्प्रे करते हैं तो बीटी कॉटन ही मर जाता है हमारे यहाँ पर तो बीटी कॉटन को बचाने के लिए हमें क्या चाहिए हर्बिसाइड टॉलरेंट बीटी कॉटन की आवश्यकता है जिसकी मंजूरी भारत में अब तक नहीं दी गई है इनलीगल पैदा हो रहा है मोनोपोली कर रखी है दोस्तों इन मॉन्सेंटो ने बॉल गार्ड टू जो समस्या थी बीज की उसे इंडिया में बहुत महंगा बेच रहा था सरकार ने मना किया तो मॉन्सेंटो ने बीज देने से ही मना कर दिया तो मैंने आपसे कहा सरकार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा बॉल गार्ड टू बॉल गार्ड थ्री अभी हाल में क्वेश्चन आया था बॉल गार्ड टू बॉल गार थ्री पर दोस्तों जी हाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ही मेरे साथ तो एक बड़ी समस्या है बीटी कॉटन की हमारे देश में दोस्तों जब जब बीटी कॉटन नाम आता है विवादों का नाम पहले आता है साथ में उसके विवाद साथ में पहले चलते रहते हैं आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ से क्या हुआ दोस्तों क्लियर है टॉपिक आपको ये कोई समस्या तो नहीं आ रही है समझने में बीटी कॉटन के विवादों पर अभी नहीं जा रहा हूँ मेरी बीटी कॉटन के वाद सारे वाद है। बहुत सारे विवाद हमारे यहाँ पर दोस्तों हैं बहुत सारे डिस्प्यूट हमारे यहाँ पर चलते हैं बीटी कॉटन का नाम ही पड़ गया विवादित फसल अपने आप में स्वामीनाथन बहुत सारे आर्टिकल लिख चुके हैं इस फसल के ऊपर लगातार विवाद रहा है सरकार से उनका इस बारे में तो बी कॉटन को लेकर हमारे यहाँ हमेशा विवाद रहा है ऐसे में जी सरसों को परमिशन देना निश्चित तौर पर विवादों को नए सिरे से दोबारा पूछ सकता है फिर आपसे चीजों को यहां पर दोस्तों तो कई प्रकार के विवाद है बीटी कॉटन के साथ हमारे यहां पर चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग यहां से ठीक <coughs> है चलिए पिंक वॉल बीटी कॉटन बाकी याद रखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज आपके बता दू मैं आपको देश में परमिशन कैसे मिलती है परमिशन कौन देता है रेगुलेशन कैसे होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अधीन दोस्तों संस्था काम करती है जीएसी नाम की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अधीन जीएसी नाम की संस्था काम करती है जो देश में किसी कमर्शियल क्रॉप या कहना चाहिए बीटी क्रॉप को जीएम क्रॉप को कमर्शियली उत्पादन करने का लाइसेंस या परमिशन देती है यह एडवाइस देती है मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट को अंतिम फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट का होता है यह केवल अप्राइजल बॉडी है सलाह देती है सरकार को अंतिम फैसला मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का होता है दोस्तों याद रखिए सारी बातें यहाँ पर ये तो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी आपकी ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट में आती है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट में आती है दोस्तों ये संस्था इसको बनाया गया है किसके तहत उन्नीस के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर नोटिफाइड किया गया है संस्था को दोस्तों जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम जो हमारी संस्था काम करती है वो बनाई गई है 1986 के एक्ट के तहत और इसके तहत ये सरकार को सलाह देती है कि क्या किसी फसल का कमर्शियल उत्पादन होने दिया जाए या नहीं जिसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ़ एन्वायरमेंट अंतिम फैसला इस पर करती है ठीक है दोस्तों तो केंद्र सरकार नहीं करती मिनिस्ट्री ऑफ एन्वायरमेंट देखती है सारा मामला उम्मीद कर रहा हूँ टॉपिक आपको क्लियर होगा दोस्तों यहाँ पर ठीक है तो जी की बात मैंने कर दी आपके साथ पढ़नी है चार्ट यहाँ पर अपने लिए तो उन्नीस के एक्ट के तहत बनाई गई संस्था है दोस्तों जी अपने लिए चलिए तो यहाँ पर दोस्तों एक पार्ट मेरा खत्म करता हूँ एक पार्ट को रोकता हूँ मैं ये एक पार्ट था अपनी अपनी क्लास का जीएम क्रॉप के ऊपर क्योंकि एक पार्ट और है मेरे पास करने के लिए थोड़ा सा लंबा जाएगा लेक्चर में लगता नहीं है आप लोग सुनने के मूड में इस समय है तो मैं एक पार्ट और लेकर आऊंगा जीएम क्रॉप के ऊपर जब थोड़ा सा और डिस्कस थोड़ा डीप एनालिसिस करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं बस सब लोग देख लें इस पार्ट को पहले क्योंकि इस पार्ट को देखने के बाद ही सेकंड पार्ट समझ में आएगा आपको अब मेरा मन तो थोड़ा सा लंबा लूँ लेकिन ठीक है पर्याप्त मैं देख पा रहा हूँ बच्चों का मोह भंग हो गया क्लास के प्रति कोई बात नहीं होता है थोड़ा साइंस की बातें जहाँ हैवी हो जाती हैं इकोनॉमी जुड़ जाती है और जहाँ आपको लगता है कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है तो मैं चाहता हूँ थोड़ा साइंस टेक है क्योंकि साइंस टेक ना होता है शायद कुछ और टॉपिक होता तो मैं पढ़ा देता आपको दो तीन घंटे लेकिन साइंस टेक है जो थोड़ा सा रेस्ट मांगता है दिमाग को आपका तो हम एक काम करेंगे दोस्तों कोई बात नहीं यहाँ पर आ, हम लोग दोबारा इसका पार्ट एक पार्ट टू लेंगे आपके लिए और फिर हम चर्चा करेंगे आपके साथ इसको कंटिन्यू करेंगे ठीक है तो अभी दीजिए मुझे आज्ञा उम्मीद कर रहा हूँ लेक्चर में आ गया होगा दोस्तों पूरा यहाँ तक आपको इसका पार्ट टू है पार्लियामेंट की बात है कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है सरकार को क्या करना चाहिए वे आउट क्या होना चाहिए हमारा इसको लेकर जो मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएगा पीटीएथ का ज्ञान था सब दे दिया मैंने आपको यहाँ पर पीटीए ज्ञान मैं दे चुका हूँ पूरा आपको यहाँ पर दोस्तों मेस का जो ज्ञान बचा है मैं आपको एक बार दूंगा यहाँ पर ठीक है तो चलिए अब ये क्लास को रोका जाए दोस्तों आपकी मुलाकात करेंगे आपके साथ नेक्स्ट सेशन में कल आपकी पीआईबी सेशन होगा दोस्तों और द हिंदू एट्रोल स्टार्ट होगा मंडे से अपना आ, इसके बाद दोस्तों याद रखिए अपना सुप्रीम बैच कल शाम को पाँच बजे ज़रूर मिलेगा मुझे यहाँ पर जो बच्चे अलग से करंट अफेयर ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए आप जाइए कोड यूज करें वाई अड्डा के ऐप पर या अड्डा के वेबसाइट पर जाकर यूपीएससी कैटेगरी में टाइप कीजिएगा सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स बाय आशीर्वाद सर आशीर्वाद सर सर्च कर लीजिएगा मिल जाएगा तो उस वहाँ पर आपको मेरा लिंक करंट अफेयर्स क्लास का ज्वाइन कर लीजिए फीस है जस्ट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड जहाँ आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मेरे आप जीएस ज्वाइन करना चाहें इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों सुप्रीम बैच लॉन्च हो रहा है कल शाम पांच बजे यहां भी करंट अफेयर्स मिलेगा आपको इसके अंदर भी इनबिल्ट है करंट अफेयर्स मेरा यहां पर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं वाई सिक्स जीरो फाइव कोड आप यहां भी यूज करें ठीक है दोस्तों ज्वाइन कीजिए बताइए मुझे फिर हमारी टीम बनेगी दोस्तों हम मैं कोमेंटोशिपिपिपिपि भी दूंगा बात भी करेंगे आपके साथ तैयारी को एक अलग स्तर पर लेके जाएंगे अभी दीजिए आज्ञा मुलाकात होगी बहुत जल्दी आपके अगले सेशन में तब तक दोस्तों थैंक यू शुक्रिया जय हिंद